हम खवातीन नया सीजन स्टार्ट होने से पहले ही अपना घर, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ रेडी कर लेती हैं, ताकि जब सीजन स्टार्ट हो तो किसी को कुछ भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े और हमारा घर पहले से रेडी हो नए सीजन के लिए। हमें अपनी एसेंशियल्स किस तरह से रेडी करनी चाहिए, आज के व्लॉग में आपसे यही शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। समर स्टार्ट होते ही सूरज की किरणों की तपश तेज होने लगती है और ये हमारी स्किन को बहुत हद तक डैमेज कर सकती है, इसलिए सनस्क्रीन का होना बहुत ही जरूरी है। मैं हमेशा अपने हैंडबैग, अपनी कार और अपने घर में सनस्क्रीन को जरूर रखती हूँ। वैसे तो परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेज का इस्तेमाल हर सीजन में होता है, लेकिन समर में इनका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि समर में इस्तेमाल होने वाली समरी काइंड ऑफ परफ्यूम्स को सामने किया जाए। आज मैं अपने वैनिटी टेबल से जितनी भी विंटर की परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रेज हैं उन सबको यहाँ से हटा लूँगी। जो मुझे चाहिए वो मैं एक छोटे से बॉक्स में डाल के स्टोर रूम में रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट सीजन में मैं इस्तेमाल कर सकूँ। और जो यहाँ पर एम्प्टी बॉटल्स हैं या मुझे नहीं चाहिए हैं उन सबको मैं अलग कर दूँगी, कुछ मैं डोनेट कर दूँगी और कुछ मैं इनकी बॉटल्स को रिसाइकल कर दूंगी द परफ्यूम शॉप पे। विंटर में इस्तेमाल होने वाली परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस में मुझे सबसे ज्यादा मस्क, एम्बर, सिनेमन और वुडी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अच्छी लगती हैं, लेकिन समर में इस्तेमाल होने वाले परफ्यूम्स ज़्यादातर मैं फ्लोरल, ब्रीजी, सिट्रस और जो बूस्टिंग सेंट्स होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। से हर वेदर को देखते हुए ही मैं परफ्यूम्स बाय करती हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक परफ्यूम्स ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाती हूँ, और जब मैं उन परफ्यूम्स को स्विच करने की कोशिश करती हूँ तो आज आगे फिर दोबारा से उन्हीं परफ्यूम पर रुकना पड़ता है। और ये ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे दूसरी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी कुछ ऐसी परफ्यूम्स के साथ स्टिक हैं कि वो चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन इनके अलावा हम और परफ्यूम्स लेकर आते रहते हैं, जो अच्छी लगे उसको कुछ अरसा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बस जिन परफ्यूम्स के साथ हम स्टिक हैं वो ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं उनमें भी मैंने शेयर किया है, आप लोगों ने अगर पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि लास्ट ईयर मैंने समर की तैयारी किस तरह से की थी। समर सीजन में हमेशा अपने हैंडबैग में ट्रैवल स्प्रे, ट्रैवल परफ्यूम और सनस्क्रीन को जरूर रखा करें, क्योंकि कब किस वक्त जरूरत पड़ जाए हमें खुद भी मालूम नहीं होता। लेकिन याद रखिए कि कभी भी ट्रैवल स्प्रेज, ट्रैवल परफ्यूम या सनस्क्रीन को अपनी गाड़ी में मत छोड़िए, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की सूरत में ये अनसेफ होता है। मैं यही एडवाइस करूंगी कि जब आप अपना हैंडबैग कैरी करें तो अपने हैंडबैग में रखिए, और जब आप गाड़ी को लीव करें तो अपना हैंडबैग अपने साथ लेकर निकला करें। समर एसेंशियल्स में सनग्लासेस का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश किया करें जब आप डायरेक्ट सनलाइट में जाएं तो सनग्लासेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आपकी आईज़ पर पड़ने से आईज़ के स्मॉल टिश्यूज डैमेज होने का बहुत खतरा होता है। समर में डायरेक्ट सनलाइट लगने से हमारी स्किन काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोई अच्छा लोशन, कोई ऐसा अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कीजिए जिससे आपकी स्किन डैमेज ना हो। मुझे हमेशा एंकलेट्स का बहुत शौक रहा है, लेकिन यहाँ यूके में सर्दी ही इतनी होती है कि सर्दियों में ये कुछ पहना नहीं जाता है। मैंने अपनी सारी पायलें निकाल के उन्हें एक जगह पे सेट कर दिया है कि मैं हर सूट के साथ मैच करके पहना करूँगी। समर्स में अगर आप इस तरह की ज्वेलरी पहनते हैं तो वो भी सारी सामने करके रखिए, ताकि आप अपने हर ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकें। जब हम लाइट, ब्राइट और समरी कलर के ड्रेसेस पहनते हैं तो उनके साथ अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाने को भी दिल चाहता है, तो हेयर स्टाइल अच्छा रहे और गर्मी भी ना लगे उसके लिए ज़्यादातर मैं इस तरह के हेयर कैचेस इस्तेमाल करती हूँ। ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं और इनके साथ बाल भी नहीं बिखरते, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह के कैचेस को पहनना। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कई बार पार्क्स में या बाहर सहन में बैठना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादातर मैं पोर्टेबल फैंस यूज़ करती हूँ।
जो ये फ़ैन है इसमें एक बॉटल सी बनी है और इस बॉटल में हम पानी ऐड कर सकते हैं, और इसमें ये देखिए सामने फ़ैन के साथ एक बटन लगा है जिससे हम स्प्रे कर सकते हैं। और अगर फ़ैन ऑन करना हो तो इसके पीछे की तरफ एक बटन लगा है, उसे ऑन कीजिए, साथ फ़ैन और साथ ही हम स्प्रे कर सकते हैं। और मेरे बच्चे ये इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। और अगर आप अपने ऑफिस से या घर से बाहर हैं, कहीं आपको अपनी कोई असाइनमेंट करनी है, कोई काम करना है, कोई वर्क सबमिट करना है, तो आपके पास आपका लैपटॉप है तो इस तरह का पोर्टेबल फ़ैन भी बहुत काम करता है। विंटर्स में इस्तेमाल होने वाले शूज़ और स्लीपर्स अच्छे से मैंने वॉश करके ड्राई कर लिए थे, और जो मुझे चाहिए उन्हें मैं पैक करके विंटर क्लोथ्स के साथ स्टोर कर दूंगी, और जो मुझे नहीं चाहिए थे वो सारे मैंने डोनेट कर दिए हैं। इसी तरह से मैंने लास्ट ईयर जो समर के शूज़ थे जो मुझे नहीं चाहिए थे वो सब मैंने डोनेट कर दिए थे, और जो नए थे वो मैंने रख लिए थे। और अभी ये मैं इस्तेमाल के लिए निकाल रही हूँ, तो इनकी ही पैकेजिंग में जो विंटर शूज़ हैं उनको पैक करके स्टोर रूम में स्टोर कर दूंगी। इस तरह की क्लियर स्प्रे बॉटल्स में मैं ज़्यादातर प्लेन वाटर और रोज़ वाटर ऐड करके रखती हूँ, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स के लिए दो दो बॉटल्स बना कर रखती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो रोज़ वाटर का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें रोज़ वाटर को वैसे भी हमारी स्किन पर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन समर में इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्लियर ग्लासेस मैं ज़्यादातर जब किचन में कुकिंग करती हूँ तो मैं इस्तेमाल करती हूँ। डायरेक्ट हीट अगर हमारी आईज़ पर लगती है तो हमारे आईज़ के टिश्यूज़ डैमेज होने का बहुत ख़तरा होता है। समर में हल्के रंगों के कॉटन लोन के कपड़ों के साथ अगर वॉच को भी अपनी कलाई पर पहना जाए तो हमारी पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार लेकर आती है। इसलिए मैं हमेशा अपनी जो कलरफुल वॉचेस होती हैं इनको समर में इनकी बैटरीज वगैरह चेक करके रेडी कर लेती हूँ। विंटर के स्टार्ट होते ही मैं अपने समर के सारे कपड़े अच्छे से वॉश करके, प्रेस करके, तय करके, पैकेट्स में पैक करके उन्हें स्टोर रूम में रख देती हूँ। और जैसे ही समर स्टार्ट होता है तो मैं इसी तरह से पैकेट से निकाल के हैंगर्स में लगा के अपने क्लोजेट में रख लेती हूँ। इन्हें मुझे फिर से वॉश करने की या इन्हें प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्हें मैंने नीटली वॉश, क्लीन एंड प्रेस करके रखा होता है। इसी तरह से हर सीज़न की क्लोजिंग शिफ्ट मैं कर लेती हूँ, और जब नए सीज़न का आगाज़ होता है तो विंटर हो या समर हो तो मुझे दोबारा से ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आप अगर इस टिप को करेंगे तो आप अपना वक्त और एफर्ट दोनों ही बचा सकेंगे। कॉटन लोन समर आउटफिट्स के साथ हमेशा लाइट ज्वेलरी अच्छी लगती है, जैसा कि लॉन्ग नेकलेसेस, लाइट ब्रेसलेट्स और बहुत थोड़ी सी चूड़ियाँ। अगर आप चूड़ियाँ पहनते हैं तो समर में ज़्यादा वैसे भी गर्मी से पहनने नहीं होती, तो यहाँ पर मैं इस तरह से अपनी ब्रेसलेट्स और लॉन्ग नेकलेसेस को ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ, और जब मुझे पहनना होता है तो मैचिंग मैं निकाल लेती हूँ। समर एसेंशियल्स में डिओड्रेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में वक्तन फवक्तन ना सिर्फ समर में बल्कि हर वेदर में डिओड्रेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मेरे घर में जब शैम्पू, शावर जेल, बाथ जेल, सोप या परफ्यूम्स वगैरह मैं बाय करती हूँ तो डिओड्रेंट्स को लेना कभी भी नहीं भूलती। तो कोशिश कीजिए, अगर आप डिओड्रेंट नहीं इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी में एक फ्रेग्रेंस बूस्टर का काम करती है। अपने घर, अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करें, क्योंकि सजना संवरना औरत का हक है और अपना ध्यान रखना भी आपका राइट है। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग विद टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।